एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में कुछ बनाने के लिए। छठ खत्म हो चुका है, कल था छठ का सुबह वाला अर्घ और छठ तक हम लोगों ने प्याज लहसुन नहीं खाया था। इसलिए भी नहीं खाया था क्योंकि जब जो पूजा हमारे यहाँ हुई थी तो पंडित जी ने बोला था कि जब तक उन्होंने कुछ दे करके गए थे चावल वगैरह, तो बोला था कि जब तक उसका खीर नहीं आप लोग खा लेते तब तक आपको प्याज नहीं खाना है। तो हम लोगों ने खीर खाया था छठ के 2-3 दिन पहले। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो इतना दिन छूट ही गया है तो 2-3 दिन और सही। तो हम लोगों ने छठ में प्याज नहीं खाया था, प्याज लहसुन। तो छठ हो चुका है कल ख़त्म और आज है छठ का दूसरे वाला दिन। तो आज से हम लोगों ने प्याज और लहसुन खाना शुरू कर दिया है। तो आज सोचा कि चलो क्यों ना कुछ बनाया जाए अच्छा सा, जो खा करके थोड़ा सा अच्छा लगे, मूड को बेटर फील हो, क्योंकि एक महीने से ऐसा खाना खा करते ना सादा सादा बिल्कुल वो हो गया था। तो मैंने ऑनलाइन कुछ मंगाया था, ये मंगाया था, यस अप्पम पैन मंगाया था। तो इसे मैंने देख लिया था खोल करके, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी देखिए मैंने ये सब लगाया भी नहीं है, यूज़ भी करके नहीं देखा है क्योंकि प्याज खाना नहीं था। तो मैंने सोचा क्या करना, तो ये देखिए ये है अप्पम पैन और इसमें ये कवर दिया है, ग्लास लेड नहीं है, इसमें ये लगाना है मुझे, अभी मैं लगाऊंगी। और तो मैंने सोचा कि चलो अभी बनाते हैं अप्पे। तो किस किस को अप्पे पसंद है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अभी ये थोड़ा सा डिफेक्टिव मुझे लग रहा है, इसको मैं बनाती हूँ फिर मैं इसे रिटर्न मारूंगी और दूसरा मंगाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं अप्पे, इसमें नए वाले में इसको आज बना करके देखती हूँ। तो सबसे पहले करना ही है कि मैंने अभी हम लोगों को नहीं खाना है, बच्चों के लिए बनाना है, तो ऑब्वियसली उसमें प्याज टमाटर वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि आज उसको मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, तो पता नहीं वो खाएगा नहीं खाएगा। मैंने उससे पूछा तो उसने बोला हाँ खाऊंगा लेकिन प्याज मत डालना, टमाटर मत डालना। तो उसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, सादा सा सिंपल सा अप्पा बनाऊँगी। तो चलिए बनाते। ये जो बैटर आप देख रहे हैं ये मैंने सारे लोगों के लिए, घर के जितने भी लोग हैं सारे लोगों के लिए मैंने इसको भिगोया है। तो मैं इसमें से थोड़ा सा बैटर ले लूँगी, थोड़ा सा जितना कान्हा के लिए बनाना है बस उतना ही सा मैंने बैटर लिया है और इसको बस मुझे भी बनाना है। तो इसको मैं ढक करके फिर से वापस रख देती हूँ, जब बनाऊँगी सबके लिए तभी मैं बनाऊँगी। और चलिए इस बैटर में मैं थोड़ा सा इसमें नमक यूज़ करूँगी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसमें, मैं इसलिए मैं इसमें कोई भी सब्जी ऐड करने वाली नहीं हूँ, कोई भी सब्जी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो बस इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर, क्योंकि बेकिंग, अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप बैटर को ना रात में भिगो करके रखिए। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आपको बेकिंग पाउडर डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज अप्पे आपके फूलेंगे नहीं। और बैटर आपको वैसे ही बनाना है जैसा आप इडली वगैरह में रखते हो, तो वैसा बैटर बनाना है। तो ये देखिए मेरा जो बैटर का कंसिस्टेंसी हो इस तरीके का, इडली की तरह का। और इसमें आप चाहे, अगर आप बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, मटर, प्याज और हरी मिर्च, इतनी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका पैन गर्म हो जाएगा उसमें आप डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए इसमें, साड़ों में मैं थोड़ा थोड़ा सा तेल डालूंगी। बिल्कुल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तेल यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग बड़े के लिए बना रहे हैं तो। बड़े अगर नहीं तेल खाना पसंद करते हैं तो आप मत डालिए। तो चलिए मैंने साड़ों में थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा तेल डाला है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही हल्का सा है, तेल ना के बराबर है। और उसके बाद इसमें आपको डालना है बैटर। तो चलिए, और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा इन साड़ों में जीरा और सरसों मिक्स करके साड़ों में डाल दीजिए ताकि देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अप्पे। एक मिनट, और अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए डालने टाइम में, और ढकने के बाद मीडियम से लो फ्लेम पर ही पकेगा। और इसमें आपको बैटर डालना है, बैटर आप उतना ही डालिए, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप आधा चम्मच ही डालिए, पूरा मत भरिए, और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप पूरा भी भर सकते हैं, लेकिन मैं ना भर रही हूँ ना खाली रख रही हूँ, नॉर्मल डाल रही हूँ।
ये देखिए मैंने साड़ों में आप पे डाल दिया। अब मैं इसको ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी ताकि एक साइड से पक जाए, और जब एक साइड से पक जाएगा फिर मैं इसको हटाऊंगी। तो थोड़ी देर हो चुका है और देखते हैं कि अप्पे, ये देखिए अप्पे जो है बिल्कुल गोल गोल बन गए हैं। और अब करना क्या है, इस साड़ों पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालना है ऊपर से। चलिए तो अब आ गई अप्पे को पलटने की बारी। तो मैंने एक स्पून लिया और इस तरीके से अप्पे को पलट देंगे। वाओ, क्या क्रिस्पी अप्पे बने हैं, बहुत ही मजेदार वाले। ये देखिए बीच वाले जल्दी पक गए हैं, साइड वाले जल्दी से नहीं पके हैं क्योंकि आपको दिख रहे होंगे बीच वाले बहुत ही अच्छे कलर आ गए हैं, लेकिन साइड वाले अभी नहीं आए हैं। लेकिन मैंने सबको पलट दिया है और बहुत ही कम तेल में मैंने बनाया है, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखे सूखे लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों के लिए है तो थोड़ा सा ऑयल डालना चाहिए, थोड़ा सा डालना चाहिए इस पर। बच्चों के खाने के लिए बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और अगर आपको बच्चों को हेल्दी फूड देना है तो आप इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे लंच में इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि साइज में बहुत छोटे होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा, और सूजी आपको पता है कि बच्चों के लिए कितना हेल्दी होता है। तो ये जो रेसिपी है बच्चों के लिए आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बच्चों के स्पेशली बच्चों के लंच के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो अब 2 मिनट में इस साइड से भी इसको पका दूँगी, को ढक देती हूँ फिर से और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देती हूँ। चलिए तो मिलती हूँ 2 मिनट के बाद। चलो अब 2 मिनट हो चुके हैं, मैं देखती हूँ हटा करके अप्पे पके हैं या नहीं। तो ये देखिए अप्पे जो हैं बहुत ही क्रिस्पी से अप्पे बने हैं। चलो निकालना शुरू करते हैं। तो ये देखिए अप्पे जो हैं वो दोनों साइड से हो चुके हैं, तो इस अप्पे को मैं निकाल लूंगी यहाँ पर। और जो साइड वाले अप्पे हैं उसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि साइड वाले अप्पे अभी ठीक से नहीं हुए हैं, तो उसे मैं बीच में कर रही हूँ। लगभग ये भी हो ही चुके हैं। तो चलिए 3 अप्पे जो हैं वो मेरे बन चुके हैं, ये देखिए। तो इसमें डालूंगी मैं चटनी सॉस के साथ, एक्चुअली बच्चों का है वो सॉस के साथ खाएंगे, तो मैं इसमें डालने वाली हूँ सॉस। तो ये देखिए मेरे सारे अप्पे बंद करके तैयार हो गए और ये देखने में बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। तो चलिए इसे करते हैं टेस्ट और कैसा लगता है। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ, मिलूँगी फिर से। बाय बाय, टेक केयर।